हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम मनीष धनखड़ एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से एक नया प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। यह है वाई ग्रुप का रागा का प्रैक्टिस पेपर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के आते हैं, वो सेम एक्स और वाई का सेम है। तो वहाँ पे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मैंने पहले डाल दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रागा का कैसा एनालिसिस होगा, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। यदि इन संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। तो ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ दिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड निकाल लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे आपने सबसे पहले क्या कर लेना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप, कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है, और दूसरी कंडीशन है कि इन संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास में छोटी संख्या जो कि कोई क्या है, एक्स है। छोटी संख्या को हमने x मान लिया और बड़ी संख्या को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो अब क्या आपके पास कंडीशन बता रहा था कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो उसका 4 गुना वो किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 3 गुने के, यानी कि 3y हो गया, और उसमें से 5 कम। ठीक है, तो ये आपके पास पहली क्वेश्चन हो जाएगी। किस प्रकार से कि आप इसे लिख सकते हैं, 3y-4x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन आपको बताता है कि दोनों संख्याओं का योग, इनकी वाई प्लस एक्स हमने मानी थी दोनों संख्या, उनका योग क्या है, बराबर है किसके, दोनों संख्याओं के अंतर के, इनकी वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर कहता है कि वाई माइनस एक्स दोनों संख्याओं का योग जो है, दोनों संख्याओं के अंतर से 6 गुना का और 6 अधिक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास हो जाएगी कि 5y-7x इक्वल टू हो जाएगा -6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास कितनी आ गई, 2। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, सोल्व आप कर लेंगे तो आपके पास में जो एक्स का मान आएगा वो आ जाएगा आपके पास 43, और वाई का जो मान आ जाएगा वो आ गया 59। तो आपसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपके पास 59 आ गई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा था यहाँ पे। तो आंसर नंबर ये आपके पास सी आपका आंसर हो जाएगा, 59। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सोल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप भी समझदार हैं, तो अपना क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक्स की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 40% अंक चाहिए, और वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए, यहीं पे मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स को उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए थे, और उसने प्राप्त किए कितने के, 178, और अगर वो 22 और प्राप्त कर लेता तो इन दोनों का योग क्या हो जाता, 40% के बराबर। यानी कि इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 178+22 यानी कि 200। ठीक है, 200 किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो यहाँ पे आपको पूछता है कि उनका कुल पूर्णांक कितना था। अगर 240% है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 20% 100 हो जाएगा, और 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास कितना हो गया, 100%, और 100% इधर है कितना था, 100, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है, वह संख्या कौन सी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमने मान लिया कि वो संख्या कौन सी थी, x, तो x का 25%, 25% का आप सिर्फ फ्रैक्शन निकालिए, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4, तो x मान लिया 1/4, ये हो गई, उसके 30% से 15 कम है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पहले आप क्या कीजिए, 30% लिख ले, क्योंकि हमने 30% में से 25% को घटाना है। तो यहाँ पे आपका 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10, संख्या हमने क्या मानी थी, x, 3/10 x। ठीक है, उसके में से कहता है कि इसका 25% यानी कि x का
25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो ये इसका मान आपको बता रहा है कि ये कितना है, 15 है, यानी कि 30% में से 25% घटा दूँ तो 15 कम है, तो वह संख्या कौन सी है। आप इसे थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे आपको आप जो संख्या थी उनका एलसीएम लेंगे, संख्या आपके पास में दो आई थी किस प्रकार से, एक थी कि 3x/10 और दूसरी थी आपके पास x/4 इक्वल टू आपके पास था 15। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 × 4 यानी कि 40। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद मैं इसे हटा रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी कि यहाँ पे 12 − 10x तो कितना हो जाएगा 2x/40 इक्वल टू 15। इसे सोल्व कीजिए, 2 से ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे आपको x का मान चाहिए तो 20 को आप किससे मल्टीप्लाएंगे 15 से, 20 × 15 कितना हो जाएगा आपका 300। तो यही बस आपका आंसर हो जाना है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 300 है कि नहीं। हाँ, तो ऑप्शन सी में आपका 300 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका और भी तरीके हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो बेस्ट तरीका लगा ये फ्रैक्शन मेथड वाला, ये अच्छा तरीका है, तो मैंने अपने तरीके से किया है, तो आप इसे कर सकते हैं, आराम से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी प्राकृत संख्याओं के घन में से उसके वर्ग को घटाने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। देखिए, जैसे कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं, प्राकृत संख्या एक एक्स है, इसके क्यूब में से, घन में से इसके स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है, तो वह कहता है कि वह संख्या कौन सी है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कीजिए, आप एक्स क्यूब आपके पास इस प्रकार से था, x³ - x² इक्वल टू 100, इसमें से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो आपके पास बच जाएगा x-1 इक्वल टू 100। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन से कोई भी संख्या उठाइए, जैसे 25 था यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ, यहाँ पे आपका 25 था और यहाँ पे आपका कितना था 6 और 16 और 5। तो आप इनमें से जैसे ही ऑप्शन को उठाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ही उठा के देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ अंतर कितना हो जाएगा 100 का है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 से मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जैसे ही आप 5 से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे 5 रखिए, x² की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × x-1 यानी कि 5 − 1 कितना हो जाएगा 4। तो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास कितना आ रहा है 100, तो हमें यही ऑप्शन मिल गया। देखिए, आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा कि सिर्फ 100 आना है उसका अंतर, तो क्यूब करेंगे किसी संख्या का तो 25 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 16 का भी बहुत हो जाएगा, 6 का और 5 में से आप ऑप्शन ले सकते हैं, 6 को पहले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 5 को ले लेंगे तो आपके पास इस प्रकार आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था वो हो जाएगा CD और ये हो जाएगा 5। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, कहता है कि ABC का योग 380 है, यदि AB के एक तिहाई के बराबर तथा BC का पांचवा भाग है तो C का मान क्या होगा। चलिए फिर ब्लैक बोर्ड पर ही चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ब्लैक बोर्ड पर मैं जैसे ही यहाँ पे आपके पास आता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ट्यूशन में आपको पहले तो बता रहा है कि A+B+C यानी तीन संख्या आपके पास, उनका योग आपको बता रहा है 380। ठीक है, तो आप अपने मेथड से करें, ये मैं अपने मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिख लेना, आपको इनका योग हमने लिख लिया, उसके बाद आपको लिख लेना है ए और बी और सी। उसके बाद आपको कहता है जो बी है, ए जो राशि है, ये ए वाली, ये क्या है, बी से 1/3 है यानी कि एक तिहाई है। तो मैं पहले तो मान लेता हूँ, चलिए इससे आप, लेकिन आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आगे और पढ़ें तो वो कहता है कि सी जो है, जो बी है वो सी से कितना है 1/5 यानी कि 1/5वां भाग है। तो मैं सी को अगर 1 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/5वां भाग। और आप क्वेश्चन को फिर पहले से स्टार्ट कीजिए तो आप क्या कहेंगे कि जो बी है, ए जो है बी से कितना है 1/3 है, तो 1/3 इसका कितना, 1/5 का 1/3 कितना हो जाएगा 1/5 × 3। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपके पास में 1/15 यानी कि, और नीचे ही लिखा हूँ मैंने ये सिर्फ, उसके बाद 1/5 और ये 1। आप सभी का एलसीएम लीजिए, आपके पास इस प्रकार से था 1/15, 1/5 और 1, एलसीएम लेंगे आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पास तीन तीसरी संख्या कौन सी आ जाएगी 15 आ जाएगी, यानी कि जो रेशियो आपको प्राप्त हुआ वो हुआ 1, 3 और 15। आपसे पूछता है कि सी जो तीसरी संख्या कौन सी होगी, लेकिन आपको देखिए ये तीनों संख्या आपको अपने हिसाब से जो हम रेशियो माना था वो रेशियो आ गया, इनको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास 15 + 3 18 + 1 यानी कि 19, अपने हिसाब से संख्या 19 आ रही है, और जो क्वेश्चन में दे रहा है कि तीनों का योग कितना है 380 है। अब रेशियो निकालिए, 19 से इसे कट करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 20।
ठीक है, उसके बाद कहता है सबसे बड़ी संख्या यानी कि सी की वो पूछ रहा था, सी का मान अपने हिसाब से कितना आया था, 15 आया था, और इसके अपना आप रेशियो जो आया है वो कितना है, 20। तो 15 को 20 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके पास आंसर आ जाता है 300। ठीक है, तो ये आंसर देखिए ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन में आपका डी आंसर हो जाएगा 300। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता को दो पुस्तकों में 240 रुपये प्रति पुस्तक बेचने पर वह एक पुस्तक को 20% लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 20% की हानि पर, तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए आपको दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि एक पुस्तक को उसने क्या किया, 20% लाभ पे, दूसरी को 20% हानि पे, आपको कह रहे हैं ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक पुस्तक को लाभ पर एक पुस्तक को हानि पे कभी भी बेचता है तो हमेशा उसे हानि होती है, और वो हानि कितनी होगी ये हम यहाँ पे निकालते हैं। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं फिर। तो ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कह रहा है कि एक वस्तु को वो कितनी रेट से पूछ रहा है, 240 रुपये से दो वस्तुएं उसने बेची, तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितने का हो गया, यानी कि 480 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि वो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो हम क्या करते हैं कि ये प्रिंसिपल मान लिया, ये अमाउंट मान लिया, 20% का फ्रैक्शन निकालिए, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। ये जो नीचे की राशि होती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और ऊपर वाली को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाए तो आपके पास अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि 20% की लाभ पर वह बेच रहा है, तो 20% का हमने फ्रैक्शन निकाला कि 1/5 आया, तो प्रिंसिपल आपके पास नीचे वाली राशि होती है, तो 5 आपने लिख लिया, इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे तो अमाउंट आपके पास होगी 6। पहली ये 20% के लाभ पे, दूसरी का फ्रैक्शन भी इतना ही होगा क्योंकि 20% के हानि पे बेच रहा है। हानि में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो घट जाता है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, और ये 5-1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे ही आप इन दोनों को करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 5 × 5 ये हो जाएगा 25, और ये 6 × 5 यानी कि 24। यानी कि अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि 25 रुपये उसने स्पेंड किए और 24 रुपये में उसने किसी चीज़ को बेच दिया, लेकिन आपसे यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसे हानि हुआ, वो पूछ रहा है कि कितने रुपए की उसे हानि हुई। तो यहाँ पे देखिए, यह आपका क्या है अमाउंट, तो उसके हिसाब से अमाउंट कितना दे रखा था, दो वस्तुओं के लिए 480 उसने दे रखा था। ठीक है, तो इसको रिलेट करेंगे तो 480 24 से इसे काटेंगे तो 20 48 को काटेंगे तो 2 टाइम जाएगा ये, और 0 का 0 यानी कि 20 का रिलेशन आपके पास आ जाएगा। इस 20 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 500 आपके पास हो जाएगा। अब मुझे कुछ चीज़ें और समझ में आ गई, यानी कि उसने 500 रुपये में कोई दो वस्तुएं खरीदी और उन्हें बेच कितने में दिया, 480 में। आप कहेंगे सर उसने तो 480 में खरीदी थी, तो देखिए उसने सिर्फ ये बताया था कि दो वस्तुओं का जो सीपी है वो एक को 240 रुपये के पर के रेट से बेच रहा है, लेकिन अपने हिसाब से अब क्या इक्वेशन आ गया कि 500 में खरीदी और 480 में बेची, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या हो गया, 20 रुपये की हानि हो गई, तो ये 20 रुपये का हानि आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का स्टार्ट हो गया है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट आपको करेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को फट लेते हैं फिर ब्लैक बोर्ड पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो यहीं पर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक चार्ट है, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन आपको पता ही होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। कहता है कि के स्थान राजधानी पी से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम मान लेते हैं कि राजधानी पी यहाँ पे है इस पॉइंट पे। ठीक है, पी से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, तो 2 किलोमीटर उत्तर में गया तो यहाँ पे आपके पास में 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर इस पे यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हुआ तो यहाँ पे कौन है, के है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आर एक अन्य स्थान के से 2 किलोमीटर यहाँ पे गए, उसके बाद 2 किलोमीटर ये के से चल के आता है तो यहाँ पे आर को आर मिल जाता है। उसके बाद कहता है कि एम एक अन्य स्थान आर से पश्चिम दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, तो उत्तर पश्चिम किस तरह से होगा, आर यहाँ पे है तो आर से उत्तर पश्चिम ये हो गया, तो यहाँ पे कौन स्थित है, एम, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर आपको दे रहा है। ठीक, उसके बाद है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टी, ठीक है, टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, तो
तो फिर से आपके पास में इस प्रकार की इक्वेशन में बन जाएगी। फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये 2 किलोमीटर दे रखा है, फिर यहाँ पे कौन था, के हो गया, यहाँ पे आपका फिर हो गया आर हो गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे आपका टी हो गया। इस प्रकार की इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब कहता है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टी स्थान पी से किस दिशा में है, तो यहाँ पे हमने पी माना था और यहाँ पे आपका टी है, तो पी से टी की कंपेरिजन कीजिए कि जो पी है वो टी से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये जो पी से ये किस दिशा में, पश्चिम यानी कि वेस्ट में, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अब अपने तरीके से करके देखिए, हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच में संबंध को निरूपित करता है। आपके पास तीन है, शार्क है, एक एक व्हेल है और एक समुद्री कछुआ है। तो आप देखिए कि शार्क का, समुद्री व्हेल का और कछुए का क्या रिलेशन है, तीनों समुद्र में रहते हैं ये बात तो हम मान सकते हैं, लेकिन तीनों का आपस में वाकई में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एक जनजाति से भी ये बिलोंग नहीं करते, तीनों अलग अलग डिफरेंस है, सबकी आदतें भी अलग है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, तीनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, और कुछ होता तो हम इस आरेखों को चेक करते, लेकिन इनमें कोई समानता नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया आपको, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रैकेट को ये लिखा जाता है और कूट दिया गया है, ये कोड दिया गया है इसको, और इसको डेयर को ये लिखा जाता है, तो आपको ट्रेड को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे कोड दे दिए गए, यहाँ पे देखिए ट्रेड जो स्टार्ट हो रहा है आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, आप कहेंगे सर टी से ये स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको टी का कोड देखना है, तो टी का कोड यहाँ पे देखिए, इसका लास्ट है, तो यहाँ इसका लास्ट कितना है, 5, 5 से स्टार्ट कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि सारे ये तो खत्म हो गया, ये 5 से स्टार्ट नहीं है। उसके बाद है आपका आर, आर लेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ये गलत हो गया। उसके बाद है ए, ए का ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, आर से जस्ट अगला ए है, तो 3 से अगला कौन सा है, 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो गया। ज़्यादा आपको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, आपने 3 देखे, 3 में ही आपका सारे ऑप्शन डिक्शनरी होगी, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30, कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक गोलाकार मेज पर चारों ओर बैठे हैं, क्यों टी तथा एस के बीच में है, पी एस के एकदम बाईं ओर और नहीं है, क्यों दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन कौन है। तो देखिए सबसे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम इनका बना दिया कि कैसे आपको यहाँ पे सोल्व करना है। सबसे पहले कहता है कि क्यों यहाँ पे है, देखिए मान लीजिए क्यों यहाँ पे है, उसके एक तरफ कौन है, एस है और एक तरफ टी है, क्योंकि एस और टी के बीच में क्यों बैठा है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि टू टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पहले से समझते हैं यहाँ पे एस यहाँ पे या टी यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि एस के एकदम बाई पी नहीं है, तो पी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बाई कौन है, फिर आर होगा और बच गया कौन, पी, तो पी यहाँ पे हो गया, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन कहता है कि क्यों क्या है, टी और एस के बीच में है, तो टी को मान लीजिए इस बार इधर ले लेते हैं और एस इधर लेते हैं, एस के एकदम बाएं यहाँ पे नहीं है, तो एस का बाएं यहाँ पे, तो एस के बाएं पी नहीं है, तो एस के दाएं तो पी हो सकता है, तो यहाँ पे पी हो सकता है, इस स्थिति में भी यहाँ पे क्या था, पी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आर भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि इसके बाएं पी बैठा हो, एकदम बाएं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी तो पी आ सकता है, कि यहाँ पे भी तो बाएं नहीं है एकदम, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जवाब नहीं दे सकते, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आंसर में देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्योंकि क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पे आपको देखिए क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पे फाइंड करके देखिए, क्योंकि दाएं दूसरे स्थान पर मैं चलूँ, तो यहाँ पे मैं चला दाएं फर्स्ट और दूसरा, तो यहाँ पे पी है, और इस स्थिति में मैं चलूँ तो यहाँ पे दाएं दूसरा, तो यहाँ पे आर भी तो आ सकता था, तो हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते इस स्थिति में, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि जानकारी यहाँ पे आपको अधूरी दी गई है, कि यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बता सकते कि उसके दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पी के कितने पुत्र हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवरण फर्स्ट सेकंड में दी गई जानकारी की आवश्यक सूचना है। देखिए आपको दो जानकारी दी गई, पहला दिया गया है कि बी तथा सी पी के बच्चे हैं, यानी कि पी के दो बच्चे हैं, ये हैं बी और सी। उसके बाद कहता है डी बी का भाई है, तो जो बी का जो भाई है वो कितना हो गया टी। तब यहाँ पे आपको कहता है कि कितने पुत्र हैं, पी के कितने पुत्र हैं, तो देखिए इनमें से किसी का भी जेंडर हमें नहीं पता है कि ये पुत्र हैं कि पुत्रियां हैं, भाई है तो हो सकता है कि एक हो सकता है लड़का, बाकी बहन हो, और हो सकता है सभी यहाँ पे क्या हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, बच्चे बताया गया यहाँ पे, जेंडर नहीं बताया गया, देखिए केवल फर्स्ट जरूरी है,
देखिए ये बताने के लिए कि इसके कितने पुत्र हैं, कौन से दोनों वाक्य जरूरी हैं कि दोनों नहीं हैं, तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, केवल फर्स्ट जरूरी है, तो बिल्कुल एक से तो हम बता ही नहीं सकते कि पी के कितने पुत्र हैं, बी से केवल सेकंड जरूरी, इससे भी नहीं बता सकते, तीसरा है कि दोनों एक और दो से जानकारी है, तो देखिए पी से तीन हमें बच्चे तो पता चलता है कि बी और सी और डी है, लेकिन यहाँ पे जेंडर नहीं पता है तो हम इससे भी नहीं बता सकते, दोनों से भी तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला लास्ट, कि दोनों फर्स्ट और सेकंड से उत्तर की जानकारी नहीं दी जा सकती, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास में कहता है कि पी एस के उत्तर दिशा में, आर पी के तक पश्चिम में, पी एस के उत्तर दिशा में, आर पी के पश्चिम में, तो यहाँ पे आपके पास में कंडीशन किस प्रकार की बनने वाली है, ये देखिए कि मान लेते हैं कि पी के उत्तर दिशा में आर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यों क्यों पी क्योंकि उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में यहाँ पे पी हो गया, ठीक है, आर पी के दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा एस आर पी के, देखिए पी यहाँ पे था, पी के दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई ये, तो यहाँ पे मान ले सकते हैं कि आर हो गया। उसके बाद कहता है कि एस क्यू के उत्तर पूर्व में है, तो क्यू का उत्तर पूर्व इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा एस। अब पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, एस आर के पश्चिम में है, तो आर के पश्चिम में एस, तो पश्चिम इसका इधर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है पी एस के दक्षिण पश्चिम में है, एस के दक्षिण पश्चिम में पी, तो पी एस के दक्षिण पश्चिम में कहाँ है, ये तो उत्तर पूर्व में हो गया, ये इस तरफ है पी एस की, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। उसके बाद है पी आर के उत्तर पूर्व में है, तो देखिए आर का ये हो गया पी, पी कहाँ पे है, ये रहा पी, ये रहा, और आर के उत्तर पूर्व में है, तो ये बात सही है क्योंकि इधर उत्तर हो गया, ठीक है, ये तो सीधा उत्तर हो गया, ये इस तरफ पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आर एस के पश्चिम में, तो एस के पश्चिम में आर नहीं, ये कितने में, दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पे तिरछा आ रहा है, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि यहाँ पे आपके जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं, अब तो फटाफट से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद है भारत की भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो भारत को आठवीं भाषा में शामिल किया गया है, भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद है भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो चेरापूंजी में होती थी पहले, अब हो गया ये मोसिन राम, तो यहाँ पे आपका इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ पे होगा, देखिए वायु, निर्वात, स्टील और जल में, मैंने इससे पहले वाला वीडियो जो फिजिक्स का बनाया था उसमें भी बताया था कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा घनत्व वाले स्थान में होता है, तो स्टील में यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व हो गया, तो यहाँ पे स्टील ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में राज दरबार थे, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस भी कहते हैं जिसे हम, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सारी अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम आपका अक्रिय गैस में आता है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पोषक तत्व का पाचन मुंह से सबसे पहले होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी लार से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो देखिए यह हमने राघा का पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा सारा एनालिसिस और सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको आसानी से समझा दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप वीडियो लास्ट तक देखा होगा ऐसी आशा करता हूँ मैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी जानकारी दीजिए कि आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सी यू सून, जल्दी ही मिलते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू गाइस।